ओह माय गॉड, ये क्या है? यहाँ पर है देवलोक की झांकी। ये खूबसूरत सी लड़की भी चलाएगी मौत कुआं में बाइक। ये आ गया हमारा भूतिया वाला बुड्ढा। यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ लोगों की। यहाँ पर पानी में तैरते हुए बच्चे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो पर। फ्रेंड, आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजिम माघी पुन्नी मेला। तो फ्रेंड, आज मैं आपको रात के टाइम पे लेकर आया हूँ क्योंकि रात में फ्रेंड काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर पहुँच गए। देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौत कुएँ के पीछे। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चारों तरफ से घूम के काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। हम मिलते हैं आपको वीडियो के आगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रतिवर्ता नारी अपने पति के जूते पर रक्षाबंधन में लैस बांध रही है। लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। पहले तो मैं दिल्ली मुंबई में देखता था यार, अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे लाइव टेलीकास्ट वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। अरे बाप रे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं चढ़ रहा हूँ भाई, वीडियो बना रहा हूँ यार। ऐसा कैसे देख रहा है भाई के तो तेवर देखो। अरे बाप रे बाप, ओहो। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। सो फ्रेंड, यहाँ पर है विष्णु जी का वरा अवतार। काफ़ी सुंदर से लाइटिंग में डिजाइन किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है देवलोक झांकी। अंदर जाने के बाद आपको देवी देवताओं का झांकी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर काउंटर में 10 रुपये कटा के आप अंदर जाके यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। राजिम नगरी में जो सजावट किया गया है, लाइटिंग का जो डेकोरेशन है, काफ़ी सुंदर सा है। चारों तरफ से मैं आपको घूम कर नज़ारा दिखाऊंगा। फ्रेंड, आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रही। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिलने डुलने वाला काफ़ी सुंदर सा झांकी। महादेव, परशुराम और साथ में एक भूतिया बुड्ढा है। आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले शुरू देखा तो मैं खुद ही डर गया था इसको देखकर। यह है वो असली वाला बुड्ढा। काफ़ी अच्छा सा डेकोरेशन यहाँ पर भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ अंधेरी जगह में। अब मैं दिखाऊँगा आप लोगों को उजाले की तरफ लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर है तीन आकाश झूला। मैं तीनों में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग का डेकोरेशन जो है काफ़ी सुंदर सा आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम आगे की तरफ दिखाते हैं। पहले मैं लिटिल बच्चों का यहाँ पर देख सकते हैं, डोंगा में तैरते हुए बच्चे, छोटे से एक तालाब जैसे यहाँ पर बनाया गया है, उसमें बच्चे लोगों को छोटे छोटे डोंगे में बिठा के तैरा रहे हैं यहाँ पे एक भाई साहब। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, और सुंदर सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रैगन झूला, जिसमें लाइट का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छे से किया गया है। सर से लेके उसके पूछ तक काफ़ी अच्छा सा लाइट किया गया है। और काफ़ी स्पीड में चलने वाला ये झूला है जिसमें लोग बड़े ही मज़े लेते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, एक झूला है, अभी चालू नहीं हुआ है, कुछ देर के बाद चालू हो जाएगा, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। उछाल उछाल के लोगों को ऊपर की तरफ फेंकता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा लोगों को यहाँ पर झूलने में। चलिए फ्रेंड, अगर राजीव मेला की बात करें तो राजीव मेला में करीबन 30 से 35 या 40 हज़ार ये लोग यहाँ पर मेला घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी बड़ा मेला है। और अब आपको मैं दिखाऊंगा वो वाला झूला जो उछाल उछाल के फेंकता है, अभी वो हो चुका है चालू। इस तरफ देख सकते हैं वही वाला झूला है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको लेकर चलूँगा मौत कुएँ की तरफ। और इस तरफ देख सकते हैं झूलों का राजा आकाश झूला और खेलों का राजा मौत कुआँ। चलिए मैं उस तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। बड़ा ही ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय आपको करने के लिए मिलेगा। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फ्रेंड, अब हम यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर है राउंडिंग वाला झूला। काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये वाला झूला भी। और कौन कौन इस झूले पर झूले हो भैया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको ऊपर से लेके नज़ारा दिखाऊँगा। ऊपर से जो आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मैं चलूँगा मौत कुआँ की तरफ। ऊपर में जाके वहाँ से वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। नीचे से हम ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। और यहाँ की खाने पीने दुकान की बात करें तो जो यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है, काफ़ी हद तक बेहतरीन आपको डिशेस मिलेंगे जो यहाँ पर लगा हुआ है बहुत सारे ठेले। मैं आ चुका हूँ मौत कुआँ के नज़दीक पे। यहाँ पर है आकाश में उड़ने वाला एरोप्लेन, राउंडिंग झूला फ्रेंड। आकाश झूला की गतिविधि जो काफ़ी है बढ़ गई है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
चलिए फ्रेंड और आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर और आपको बहुत सारा खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ऐसे ही बने रहे हमारी वीडियो पे फ्रेंड। आकाश झूला की बात करें तो जैसे कि उसमें लाइट का जो डेकोरेशन किया रहता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तब जाके आप वहाँ पर बैठे लोगों को देख सकते हो, नहीं तो लाइट इतना ज़्यादा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे, समझ ही नहीं आता है, चलता रहता है। तो और इस तरफ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर है नीचे में खेलने वाला, वही राउंडिंग वाला है जिसमें बैठने के लिए काफ़ी अच्छा। यहाँ पर लाइट अभी जल रहा है, यहाँ पर लोग अभी नहीं आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके यहाँ पर भीड़ बढ़ रहा है। अब फ्रेंड आप ऊपर से देख सकते हैं जो राजीव नगरी का नज़ारा है, काफ़ी बेहतरीन आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। मैं आ चुका हूँ यहाँ मौत कुएँ के ऊपर में, जहाँ पर बसता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़, डर डर ऐसा करके बसता है फ्रेंड बाइक वाला। चलिए यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर एक लड़की भी आपको देखने के लिए मिलेगी जो बाइक चलाते हुए आपको नज़र आएगी इस वीडियो में। और ये है अभी चालू हो रहा है सब धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड ऊपर से देख के कैसा लगा नज़ारा आपको इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर भी आकाश झूला अभी चालू हुआ है, बट यहाँ पर लोग बैठे हैं फिर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर उजाला है यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे से अगर दिखाएंगे आपको तो देख सकते हैं नीचे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी चालू होने वाला है। कुछ देर के बाद मौत कुआं का भी खेल चालू हो जाएगा, काफ़ी ख़तरनाक टाइप के यहाँ पर बाइक और कार को चलाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड नीचे से जो लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा राजीव नगरी का। और यहाँ पर आकाश झूला अभी, ये वाला आकाश झूला भी चालू है, यहाँ पर तीन आकाश झूला है और कई सारे कपड़ों की दुकान है बहुत सारे, और कई सारे यहाँ पर जो ठेले की दुकान है लाइन से लगे हुए हैं, जहाँ पर बनता है चाउमीन और कई प्रकार के खाने पीने की सामान, अंडा वगैरह है सब बनता है। और ये देख सकते हैं अभी चालू हो चुका है, एक लोग बस यहाँ पर बैठे हैं, अभी कुछ देर के बाद यहाँ भी भीड़ लगना चालू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब मैं आकाश झूला को दिखाता हूँ, देख सकते हैं अब लगेगा झमाझम। इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम कोई किताब में ऐसा बनाते हैं इस स्केच में, वैसा टाइप का लग रहा है। चलिए फ्रेंड मौत कुआं चालू हो चुका है, देख सकते हैं एक व्यक्ति चला रहा है बाइक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चलाता है यार, मेरा कैमरा को पकड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर लोग पैसे देते हैं, टपाटप ले लेता है पैसा, ये बहुत ही अच्छा शानदार करतब दिखा रहा है, मगर मेरा कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं उस लड़की को दिखाता हूँ जो भी बाइक चलाती है, और तीनों अभी कार चालू होने वाले हैं उसको मैं दिखाता हूँ, कुछ देर स्किप करता हूँ चालू होने तक। तो चलिए फ्रेंड जिस खूबसूरत की लड़की की बात कर रहा था उसकी नज़र मेरी ही तरफ है, देख सकते हैं अब ये बाइक चलाएगी उसको मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई कार वाले बाइक वाले सब चालू हो चुके हैं। अरे भाई ओ मैडम थोड़ा गाड़ी धीमे चला लो, दिखाई नहीं दे रहे तुम, मेरी कैमरा पकड़ नहीं पा रही है तुमको, कहाँ चली गई, ये आ रही है फिर निकल गई। देख सकते हैं फिर काफ़ी ज़्यादा करतब, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा मौत कुएं में। काफ़ी ज़्यादा जब ये गाड़ी चलती है तो पूरा मौत कुआं ही हिल जाता है, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था जब ये गाड़ी चलती है। तो चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करवाते हैं इन लोगों को, थक गए होंगे गाड़ी चला चला के, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको करता। वो मैडम जी देख रहे हैं, ये देख रही है, मेरा कैमरा भी पकड़ नहीं पा रहा है उन लोगों को। हम आ चुके हैं फ्रेंड होलसेल में, जहाँ पर आपको हर एक ऐसे सामान मिलेगी जो आप अपने घर पे यूज करते हो, मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर हर प्रकार के सामान आपको ख़रीदने और देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड आपको यहाँ पर कैसे लगा होलसेल में, कितने सारे लोग हैं देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आपके घर और मेरे घर में सजाने के लिए काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर गुलदस्ता, जो टीवी और घर के हर एक जगह पर आप इसको सेट कर सकते हैं। और इधर है हार है घर में ऐसा सजाने के लिए, छोटे छोटे गुलदस्ते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार आप बनाए रहना।